हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जाने वाले हम लोग गणेश धोत। आज जाने वाले हम लोग गणेश धोत। तो गणेश धोत क्या है? तो गणेश धोत हम लोग एक बार जाके आ चुके हैं, पर अभी शायद पानी उधर बहुत कम होगा। आपको दिखाऊंगा बिफोर वीडियो ने आफ्टर वीडियो। तभी तो बहुत मस्त सीन था, अभी तो थोड़ा शायद ख़राब होगा क्योंकि बारिश तो एक महीना हो गई है, बारिश नहीं गिरी। तो भी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आए धर्मपुर ब्लॉग बनाने आए, तो उधर तो जाना ही पड़ेगा पैसे लिए। आज जा रहे हम लोग दोनों जन। ये फिर से वही दिन वही डे, निकलने वाले थे अभी, हो गया है 9 बज गए, कोई नहीं, लेट हो गया है। कल इतना थक गए थे हम लोग आके उधर से, कल विल्सन जाके आए थे, बहुत थक गए थे, इसीलिए आराम से जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी जाएंगे इसके मामा घर पर, गाड़ी रखेंगे, एक्टिवा लेंगे, धीरे एक्टिवा लेंगे, फिर शुरू करेंगे। चलो तो जाते हैं। अभी हम लोग निकल गए डील के दादा के यहाँ से, अभी हम लोग जाएंगे डील के मामा के यहाँ पे, मामा के यहाँ पे गाड़ी रखेंगे। गाड़ी रखने के बाद फिर अपनी आएंगे अपने औकात में, मतलब अपनी स्कूटी स्कूटी लेके निकलेंगे गणेश धोत रास्ते में। आज का वीडियो बहुत छोटा बनेगा पर बहुत मस्त बनेगा, तो आज का वीडियो देखते रहना और पूरा देखना वीडियो को। और हाँ, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और लाइक भी करना, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपको मेरे जितने भी नए वीडियो आएंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। इसलिए हम लोग पहुंच गए उसके जिल के मामा घर पे। अभी इधर से निकलेंगे राइट शुरू करेंगे गणेश धोत के पास, फिर जाएंगे राइट गणेश धोत। इधर 6-7 मोर है, मोर आपको दिखाता हूँ एक मिनट, और शायद मैं आऊँगा तो भाग जाएंगे, पर वीडियो में दिखेगा ना जी कि एकदम रोड के जस्ट बाजू में हम लोग स्कूटी उधर दूर लगा दिए। तो इधर भाग रहे, भाग रहा है, भाग रहा है। वो देखो, वाओ, वो देखो कितना मस्त दिख रहा है। देखो उस दिन बहुत दूर चले गए, अभी 6-7 थे। ये बड़ा वाला था, इसका देखो पूरा खोल के खड़ा हुआ था। जाएगा गणेश धोत के लिए, और ये जाएगा बिलपुड़ी, बिल्सन हिल्स, गणेश धोत, खाली गणेश धोत। चलो तो चलते हैं। गणेश धोत पहुँच गए, मतलब थोड़ा चल के जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर तक अंदर। गाड़ी रख दी हम लोग इधर, अभी इधर से चलते 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 जाएगा। ये बोलता है, फिर बोलता है नहीं आएगा, पर मैं बोला चल अभी चलना तो पड़ेगा। ये पानी जैसे लग रहा है, पानी तो गिरता होगा थोड़ा थोड़ा, पानी देख के अच्छा है, गिरेगा चलेंगे देखते। बहुत मैं लास्ट टाइम आ चुका हूँ, आपको वो वीडियो भी दिखाऊँगा और ये वीडियो भी दिखाऊँगा। वो बारिश में आया था 2 महीना पहले, देखते अभी कैसा कैसा सीन मिलेगा उधर। अच्छा अच्छा अंकल, पानी पड़े थे ना, वधारे पड़े थे। हाँ तो अंकल तो बोल रहे पानी गिर रहा है, जाते देखते मस्त फोटो वोटो क्लिक करेंगे, वीडियो वीडियो निकालेंगे, आपको दिखाएंगे। और हाँ, लोकेशन भी डाल देंगे, क्योंकि आपको अगर आना हो नेक्स्ट ईयर तो आ सकते हैं। मतलब देखने जैसे तो बहुत मस्त मस्त प्लेस है, पूरा एकदम हिल्स आगे तो बहुत मस्त। हम लोग तो एक बार आ चुके, इसलिए मैंने तभी वीडियो इतना अच्छा नहीं बनाया था, तो सोचा चलो दूसरी बार फिर से वीडियो बना लेते। गर्मी तो बहुत लग रहा है यार, इधर स्टार्टिंग पे एक तो ब्लैक पेन के आगे गर्मी लगने शुरू हो गई। अभी 1.5-2 किलोमीटर चलना है हम लोग को नदी के रास्ते से, उसके बाद आ जाएगा गणेश धोत। चल पहुँच गए गणेश धोत के पास। ये छोटा वाटरफॉल है जो बारिश में बहुत मस्त दिखता है। अभी ये उसके ऊपर भी एक है जो ऊपर जाना पड़ेगा अपने, वो ऊपर से घूम के, इधर तो कुछ नहीं होगा ज़्यादा, ऊपर ही चलते अपन, ऊपर ही अच्छा अच्छा सीन। फाइनली हम लोग आ गए गणेश धोत पे। अभी इतना खास नहीं, अभी 2-3 महीना हो गया, 1 महीने से 1.5 महीने से बारिश नहीं गिरी, तो इसलिए तो भी है पानी इधर। पर जब हम लोग आए थे तब बहुत, उसको तो देखने के लिए ये देखो, ये पूरा वाटरफॉल, ये जो वाटरफॉल पूरा इधर से पानी नीचे गिरता, इतना मस्त व्यू रहता है। तभी लास्ट व्यू में आया हूँ, लास्ट व्यू डाला हूँ, ऊपर से मैं जंप करता हूँ, देखने का बहुत मस्त मस्त। उधर उधर पहुँच भी गया जी रहा है देखने के लिए, बोला अब भी देखते कितना पानी है, और पहले की बहुत मस्त सीन देता है। आओ इधर फैमिली के साथ आने के लिए बहुत मस्त है, आगे दिखाते हैं हम लोग। नीचे नीचे कुआं जैसे, मतलब मस्त है एकदम देखने लायक। जब हम लोग आते थे तभी तक पूरे इधर से लेके पूरा उधर तक पानी गिर रहा, मतलब लास्ट वीडियो में जाके देख लो, मेरे चैनल पर जाओ, लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ, फर्स्ट ही वीडियो, सॉरी फर्स्ट वीडियो इधर जाओ उसको देखो। ऊपर से जम करके मैं नीचे कूदता था इधर, तभी तो बहुत अंदर पानी था, तभी सब दिखता नहीं था कुछ, अभी दिख भी रहा है, पैर भी टच नहीं होता था नीचे कूद के। तो आपको इधर का व्यू दिखा रहा हूँ,
बना लिया, बहुत फ़ोटो खींच लिया। अगर आपको इधर का फ़ोटो देखना है तो इंस्टाग्राम की लिंक ये रही, और जाओ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो और देखो इधर आ गए गाँव वाले मस्त नहा रहे हैं, लोग बता रहे हम लोग इधर ऐसा ऐसा था ऐसा ऐसा है, मजे कर रहे हैं उन लोग पकड़ाना प्लेस तो निकलते अभी वाटरफॉल बारिश में पूरा इतना इधर जितने दिख रहा है ना उधर उधर से पूरा बारिश गिर पानी गिरता है, इतना मस्त लगता है। हम लोग ऊपर भी जाने वाले थे पर पूरा घूम के उधर से उधर से पूरा ऊपर घूम के जाना पड़ेगा, तो उसने बोला दूर है थोड़ा, मैं बोला चलो कैंसिल कर दो ऊपर जाने का। और इधर से निकलते अभी बहुत धूप बढ़ जाएगा, फिर गर्मी बहुत लगेगा, अभी 2 किलोमीटर चलने का भी तो टाइम लगेगा, इसलिए निकलते हम लोग इधर से। और फोटो तो इतना मस्त मस्त शूट किया है ना हम लोगों ने, चलो तो निकलते मिलते स्कूटी के पास, उधर से निकलेंगे कुछ खाएंगे पियेंगे फिर जाएंगे घर पे, और फिर शायद धर्मपुर से कल वापसी के लिए निकलेंगे, ठीक है कल नहीं तो परसों। इधर एक छोटा वाटरफॉल है, इधर से आप थोड़ा आगे जाएंगे ना तो उधर बड़ा वाटरफॉल लगता है, इधर छोटा सा ये कुछ नहीं, देखो वो देख सकते हो आप, इंसान उतर रहा है उधर से, आदमी उतर रहा है तो उतरेगा नीचे। हम लोग इधर पर रिस्क लगा थोड़ा, हम लोग इसलिए उधर से नहीं गए, तो हम लोग दूर का रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। इधर सीन तो इतना मस्त है ना, ये देखो पूरा पहाड़, 2-3 पहाड़ के बीच में ये गणेश, 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है इसीलिए पहाड़ के बीच में तो रास्ता आ जाता है इधर तक, पर चलो कुछ नहीं चलना पड़ता है तो भी मस्त है प्लेस तो बहुत मस्त। दिव्यांग आया कैसा लगा आने के बाद दिव्यांग वाटरफॉल पे? ये नया है नहीं, ये नया है नहीं, मैं तो खूब मज़ा किया। घूमना था 5 प्लेस जाना था, पर बिलपुड़ी में पानी नहीं है तो बिलपुड़ी नहीं गए, गणेश धोत जाके आ गए और शंकर धोत भी जाके आ गए, फिर विल्सन हिल्स भी गए, विल्सन हिल्स पे कुछ खास नहीं था अभी। विल्सन ये सब प्लेस पे संडे को जाओ, जब पब्लिक रहती है तो मज़ा आता है, ऐसे जाके मतलब नहीं रहता है, कोई रहता नहीं अपनी खाली। हाँ इस प्लेस पे आए तो थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि एकदम शांति छाव था, बैठने में मज़ा आया। नदी के किनारे किनारे से जा रहे अभी, आगे स्कूटी है उधर से लेते हैं निकलते हैं फिर चलो।